वेबसाइट पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक मई से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन, गद्दारों से बदला लेंगी ममता, योगी सरकार छुपा रही मृतकों के आंकड़े। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। एक मई से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एक मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। मुंबई समेत कई जिलों में कोरोना रोगियों की संख्या में कमी आई है। इसके बावजूद अन्य जिलों में कोरोना की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए लॉकडाउन को एक मई से आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के संकेत मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वट्टीवार ने दिए। लॉकडाउन की वजह से मुंबई और ठाणे में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। हालांकि विदर्भ, मराठवाड़ा और अन्य स्थानों में मामले उतनी तेजी से कम नहीं हो रहे हैं। वट्टीवार ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। तो दूसरे और गद्दारों से बदला लेंगी ममता। बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार का शोर थम चुका है। राज्य में 8वें चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है। वही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी और गद्दारों को नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं को घेरते हुए कहा कि इन गद्दारों को वह माफ नहीं करेंगी। राज्य में तृणमूल सरकार बनने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई कर विचार किया जाएगा। बकोल बनर्जी, हम ऐसे गद्दारों को कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने राज्य की सरकार के साथ धोखा किया है। तो वही तीसरे और योगी सरकार छिपा रही मृतकों के आंकड़े। उत्तर प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना से बड़ी संख्या में हो रही मौतों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना की जांच नहीं कर रही है और पीड़ितों व मृतकों के आंकड़े छिपा रही है। उन्होंने कहा कि जांच, ऑक्सीजन, दवा व बेड की कमी पर सवाल उठाने वालों को योगी सरकार जेल में डाल रही है व उनकी संपत्तियां जब्त कर रही है। उन्होंने योगी सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि वह कोरोना से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करे, वरना प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।